तो दोस्तों कैसे आप सभी लोगों का फिर स्वागत है हमारी 10 डे 10 कैसे लोगों को 100K तक की वीडियो की अपने लास्ट और अंतिम वीडियो में, जो कि अपना 1 लाख रुपए का पीसी बिल रहने वाला है। 100K इस चाव को बोलो, चाहे मतलब 1 लाख रुपए बोलो, और अगर आप लोग कमेंट करते हो तो हम इसकी मतलब 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की बनाएंगे अगर आप लोग कमेंट करते हो तो, और वरना हम नहीं बनाएंगे। और क्योंकि इससे आपके पीसी बहुत कम बिल होते, जैसे मैंने देखे सारे ऑलमोस्ट इसके अंदर के पीसी बिल होते, वो जो भी इसके ऊपर का पीसी बिल कहता है वो अपना उसका वो फर्स्ट पीसी बिल नहीं कहता, उसके बाद कहता है वो, इसलिए उसके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर के सारे पीसी बिल अपने हेवी गेमिंग के लिए आ जाते हैं, जिसके अंदर अच्छी खासी हेवी से हेवी गेमिंग हो सके। हालांकि इसके अंदर भी अच्छी खासी बहुत तगड़ी लेवल की गेमिंग हो पाएगी। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर देखे, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमने इसमें यूज किया AMD की 5000 सीरीज का Ryzen 9 5900X डेस्कटॉप प्रोसेसर है, जो कि 12 कोर 24 थ्रेड के साथ आता है, और 60 Mbps की इसकी स्पीड थी, और 3.7 GW अप टू 4.8 GW के मिलते हैं। AM4 सॉकेट के साथ आता है, और 500 कोर है इसके। और 3D में देखूं तो ये अपना प्रोसेसर हो गया, और इसी के साथ नेक्स्ट पर बढ़े। तो नेक्स्ट में हमने गीगाबाइट का सेम पिछले भी यूज किया था, इसके पिछले वो हमने यूज किया था गीगाबाइट का RTX 4060 Ti 8 GB का है ये, और 3X Pen के साथ आता है, और 128 बिट GDDR6 का सपोर्ट करता है, और N4 406 है इसमें, और एक बेसिक है अपना जिसके आप साथ इसके साथ 3 आपको फैन देखने को मिल जाएंगे। और इनविडिया की मतलब 7 कोलोबेशन है, तो काफी बेस्ट गेमिंग प्रदान करेगा ये। और ये अपना सारे पोर्ट हो गए, और इसके साथ नेक्स्ट पे बढ़े। तो ये अपना मतलब जो भी अपना पीसी अंदर से हीट को एडजस्ट करेगा उसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पर, और पीछे की तरफ स्टील के प्लेट दी चुकी है जिसके अंदर काफी बेस्ट है, और पीछे की तरफ इसकी बाइंडिंग देखने को मिल जाएगी, और 8 कनेक्टेड आपको यहाँ पर पावर मिल जाएगा, मतलब आपको पावर कनेक्शन मिल जाएगा जो कि अपने पावर सप्लाई से दिया जाएगा इसको, और 4.5 mm ऐसे, और 10.7 mm इसकी चौड़ाई हो गई मतलब लंबाई हो गई, और 4.5 mm इसकी चौड़ाई हो गई। और आपको इसमें USB 2.1 के 2 पोर्ट, और 2 पोर्ट DPI 1.4 के मिल जाएंगे, और इसके साथ नेक्स्ट पे बढ़े। तो नेक्स्ट पे हमने यूज किया XPG की 8 डाटा की लॉन्च RGB 32 GB की XT के, हाँ XT की यूज किया है 32 GB की, और जो कि DDR5 पे 6000 MHz को सपोर्ट करते हैं। डेस्कटॉप रैम है, और रैम मेमोरी है, मतलब काफ़ी बेस्ट रैम है। 5 GB की वारंटी के साथ आती आती है, और आप चाहो तो उसकी DPI कम पे आता है, पर फिर भी वो एक बेस्ट टू बेस्ट रहती है। 6000 DPI तक हमने लिया है इसके अंदर। और ये अपनी कुछ इमेजिंग हो गई, RGB लुकिंग के साथ आती है, DDR5 की सपोर्ट आप ऊपर मतलब एम के ऊपर बैंडिंग देखने को मिल जाएगी कौन एक साइड की तरफ, और इसके साथ आपको इसमें 5 ईयर की वारंटी। नेक्स्ट पे बढ़े तो क्यूजेल की P3 की प्लस की 2 TB की, इस वक्त हमने 2 TB की यूज़ की है, साइज से पहले सारे पीसी बड़े हमने ओनली 1 TB की यूज़ की है, तो हमने 2 TB के लिए, तो इसमें भी आपको 3 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाएगी। M2 SSD है ये भी, और 5000 MB डाटा ट्रांसफर स्पीड वही है इसकी, P3+ है ये, और इसमें आपको Gen 4 इनविडिया का स्पीड मिल जाएगी। अप टू स्पीड इसकी 5000 MB/s है, लो लो इन स्पीड 4200 MB/s है, और ये अपना मदरबोर्ड में क्रेडिट हो जाए टाइम की है, और इसी कंपनी की सेम आपको 4 TB तक मिल जाएगी, जिसकी वारंटी कुछ है, जो 4 TB की होगी उसकी वारंटी 5 ईयर की रहेगी। और इसी के साथ नेक्स्ट पर बढ़े तो
नेक्सा मैंने यूज़ किया MSI 2750 हम मदरबोर्ड, जो कि एक काफ़ी बेस्ट गेमिंग मदरबोर्ड रहने वाला है, क्योंकि इस मदरबोर्ड में कूलिंग प्लेट लगी हुई है बहुत खतरनाक खतरनाक तरीके की, इसलिए। और ये अब अपना M ATX है, वाईफाई मदरबोर्ड है, और AMD i7 7000 सीरीज को सपोर्ट करेगा, ये AM5 सॉकेट है और DDR5 को सपोर्ट करेगा, साथ में 7500+ मेरा अपनी एम है वो सपोर्ट कर जाएगा, और USB 2 पॉइंट के है, लैन पोर्ट है, Wi-Fi 6 का सपोर्ट है इसमें, 3 GB के साथ आती है, बॉक्स के ऊपर सारी जानकारी भी दी हुई है। और इसके साथ नेक्स्ट पे बढ़े तो नेक्स्ट में आपको 2 M स्लॉट हो गया, एक अपना प्रोसेसर स्लॉट हो गया, एक अपना ग्राफिक कार्ड हो गया, USB 2 पॉइंट कनेक्टेड, साथ में यहाँ पर आपको RGB में गेमिंग लिखित की मिल जाएगी, और 1 2 3 3 आपको इसमें गेमिंग प्लेट देखने को मिल जाएगी, और साथ में यहाँ पे आपको इसमें फैन कनेक्टेड भी यहाँ पे मिल जाएंगे, कितने का ये वाला है, और ये कूलिंग के लिए अपनी है, इन सबको कूलिंग प्रदान करने के लिए है, बहुत सारी जानकारी है। आप GN5 का सपोर्ट किया जाएगा, और ये इसके साथ कनेक्टेड हो गए, डिस्प्ले पोर्ट हो गया अपना, और HDMI पोर्ट हो गया 2.1 का, और ये बूस्ट पोर्ट हो गया न जाने क्या है, और USB 3.2 के कनेक्टेड हो गए, अपना 2.5 5G का अपना लेन पोर्ट हो गया, USB 2.0 के 2 पोर्ट हो गए आपको, और Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिल जाएगा, E6 का ऑडियो पोर्ट यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे, एक Type-C पोर्ट भी मिल जाएगा साथ में आपको। और इसके साथ नेक्स्ट पे बढ़े तो नेक्स्ट पे हमने टी लेन का ZX का 1 mid टावर गेमिंग कैबिनेट यूज किया है, जो कि ATX हम ATX ITX को सपोर्ट करता है, माइक्रो और इसमें अपना मदरबोर्ड सारे मदरबोर्ड आ जाएंगे मतलब इसके अंदर, और आपको इसमें आगे की तरफ 3 फैन मिल जाएंगे 120 mm के, साथ में एक फैन आपको पीछे की तरफ मिल जाएगा 120 mm का, और ये ड्यूबल ग्लास है मतलब आपको आगे तरफ भी ग्लास और साइड में भी ग्लास देखने को मिल जाएगा, और इसकी कीमत लगभग 6150 रुपये, वन ईयर की वारंटी के साथ आता है, और ये अगर आप ये लेना चाहो आपको 3 फैन के साथ आता है कुल, तो ये आपको लगभग 5 5.5 हज़ार रुपये का मिल जाएगा, 1 मिनट, हाँ ये भी वही है, इसमें आपको बस कॉपी कार्ड और थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा, ये दोनों में से आप ले सकते हो, लगभग में 90 रुपये का फर्क है, ज़्यादा नहीं है। और ये आगे से कुछ इसकी लुक हो गई, ये साइड से हो गई अपना, इसमें 3 फैन इधर इनबिल्ट आएंगे, एक फैन पीछे की तरफ, इधर अपना ग्राफिक कार्ड लग जाएगा, और इधर आप ऊपर अपना लिक्विड कूलर लगा सकते हो, यहाँ पर अपना पावर सप्लाई ऊपर 2 नॉर्मल फैन लगा सकते हो, और ये इसकी एयर कंडीशन के लिए बाहर से ठंडी हवा को अंदर तक एग्जॉस्ट करता है, और ये पीछे से गर्म हवा को बाहर निकालता है, और ये इसके सारे पोर्ट हो गए अपने, ये तो मदरबोर्ड के पोर्ट हो गए, और इसी के इसके आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाएगी। और नेक्स्ट पे बढ़े तो नेक्स्ट में सेम कंपनी के सेम पावर सप्लाई यूज किए, जो कि 80 mm बियोन है, और 120 mm फैन के साथ आती है, लगभग 4000 रुपये अपनी पावर सप्लाई, 750 वाट की है, ये इसकी ब्रांडिंग के साथ आती है। और इसी के साथ नेक्स्ट पे बढ़े तो नेक्स्ट में हमने यूज किया है अपना बेस्ट कूलर है AL360L है, और ARGB है, USB कूलिंग है, ब्लैक थीम का है, और LG है 1700+, LG 1200, और LG है 1151 को सपोर्ट करता है, AM5 5 और AM4 को सपोर्ट कर जाएगा ये अपना, और ये अपना GPU के ऊपर लगता है कूलिंग को बेस्ट बनाने के लिए, और 360 mm का ऑयल लिक्विड है ये, और थे ये कि वारंटी के साथ आता है, ये अपने PC के ऊपर ऐसे लग जाएगा, इधर की तरफ आप देखना इस स्थान पर अपना जिस स्थान पर माउस ये पाइप लिखी हुई है उस स्थान पर देखना, लगभग ऑलमोस्ट ये ऐसे अपना लग जाएगा, और ये पूरा एक मतलब RGB आने वाला है, ये 120 mm के आपको RGB फैन देखने को मिल जाएंगे, ये इसकी कुछ लुक होगी RGB की फैन की।
तो ठीक है, अपने आज की वीडियो को यहीं पे एंड कहते हैं, साथ में अपने इस सीरीज को भी यहीं पे समाप्त कहते हैं। तो जिसने भी हमारे सीरीज के सारे वीडियो देखे उसका तहे दिल से शुक्रिया, और जिसने भी नहीं देखे जाकर देखे और कमेंट कर बताइए कि हमारे 10 सीरीज में से आपकी बेस्ट सीरीज कौन सी थी, आपको कितने का पीसीबी पसंद आया, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और क्या हमें आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं कमेंट करके बताइए। तो गुड बाय, जय हिंद, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, जय हिंद, गुड बाय।